आप में से ज़्यादातर लोग यह सोचते होंगे कि बिज़नेस करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। इसी बात को सोचकर बहुत से लोग बिज़नेस के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन कुछ ऐसे बिज़नेस भी हैं जिन्हें शुरू करने के लिए आपको किसी तरह के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 9 बेस्ट बिज़नेस आइडियाज़ जिसके लिए किसी तरह की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। आप इनमें से किसी भी बिज़नेस आइडिया के ऊपर काम कर सकते हैं और अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको बिज़नेस आइडिया का पूरा नॉलेज हो सके। बिकमिंग फ्रीलांस राइटर। यदि आप राइटिंग में पैशनेट हैं तो फ्रीलांस राइटर आपके लिए एक बेहतरीन बिज़नेस आइडिया हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेट की पहुंच विश्व भर तक हो चुकी है। ऐसे समय में आप आर्टिकल या बुक्स को ऑनलाइन सेल करते हो तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। यदि आपको राइटिंग पसंद है तो आप इससे ह्यूज अमाउंट का पैसा जनरेट कर सकते हो। राइटिंग स्किल की डिमांड बहुत ज़्यादा है और आप इस बिज़नेस को घर बैठे ही स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ती है। प्रोफेशनल राइटर बड़ी आसानी से 40,000 से $50,000 प्रति साल कमा लेते हैं। आपको इतना कमाने के लिए कुछ समय देना होगा और काम के प्रति पैशनेट रहना होगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि फ्रीलांस के लिए कौन सी वेबसाइट को ज्वाइन करें, तो आप इनमें से किसी भी वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं। फीवर, अपवर्क, पीपल पर आवर, freelancer.com। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। क्या आप सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट और ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं? क्या आपके पास गुड नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं? यदि हैं तो यह जॉब आपके लिए हो सकती है। आप इन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपको सोशल मीडिया पर रेगुलरली पोस्ट करना होगा ताकि आपके फॉलोअर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते रहें। आपको यह पता होना चाहिए कि आपके फॉलोअर्स क्या चाहते हैं। आप उनको कोई सर्विसेज या एफिलेट प्रोडक्ट्स भी प्रमोट कर सकते हो। ऐसा करने से भी आप काफ़ी पैसे कमा सकते हो। सेलिंग ईबुक्स। ईबुक्स सेल करना भी ऑनलाइन इनकम प्राप्त करने का एक बेहतरीन तरीका है। यह फ्रीलांस राइटिंग जॉब की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि आपको ईबुक के फॉर्मेट में लिखना होगा। ईबुक को सेल करके आप इनकम प्राप्त कर सकते हो। आप किसी भी टॉपिक पर ईबुक बना सकते हो। ईबुक बनाने के लिए कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। मान लीजिए आपको हेल्थ के बारे में जानकारी है तो आप हेल्थ एंड फिटनेस पर ईबुक लिख सकते हैं। आप जब आपकी जानकारी ईबुक बनके तैयार हो जाए तो उसको प्रमोट करना ना भूलें। जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड होगा वह इस ईबुक को बाय कर लेगा। इससे भी आपको इनकम होती रहेगी। सोशल मीडिया मैनेजर। सोशल मीडिया मैनेजर एक बेहतरीन ऑप्शन है बिजनेस स्टार्ट करने का विद नो इन्वेस्टिंग एनी टाइप ऑफ मनी। यदि आपके पास गुड मैनेजिंग स्किल्स हैं तो आप इसमें एक अच्छा करियर बना सकते हैं। यदि आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को मैनेज करना पसंद है तो आप इस स्किल का यूज़ करके खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ब्लॉगर और बिजनेसमैन अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, वह सोशल मीडिया मैनेजर को हायरिंग करते हैं। जो लोग सोशल मीडिया चलाना पसंद करते हैं वह इस तरह के इनकम कर सकते हैं। आप इस विषय के ऊपर पोर्टफोलियो या वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। आप विक्स से बड़ी ही आसानी से वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। जब आपकी वेबसाइट तैयार हो जाए तो उसको प्रमोट ज़रूर करें। सेलिंग ग्राफिक्स डिज़ाइंस। यदि आप क्रिएटिव हैं तो आप बिग अमाउंट कमा सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइंस के ज़रिए। आज के समय में इसकी डिमांड भी काफ़ी बढ़ चुकी है। बड़ी कंपनीज प्रो ग्राफिक डिज़ाइंस को हायर कर रहे हैं। बड़े बड़े ब्लॉगर्स और यूट्यूबर अपने ब्लॉग या यूट्यूब को प्रमोट करने के लिए ग्राफिक डिज़ाइंस का प्रयोग कर रहे हैं। यह कुछ ग्राफिक डिज़ाइंस की लिस्ट है जो आजकल डिमांड में है। मार्केटिंग बैनर्स एंड मटेरियल्स डिज़ाइनिंग, इन्फोग्राफिक्स, सोशल मीडिया प्रमोशंस डिज़ाइंस, पिंटरेस्ट पिन्स और फेसबुक पोस्टर्स, टेम्पलेट्स, लोगोज एंड बिजनेस कार्ड्स। यदि आप इस बिज़नेस में रूल करना चाहते हैं तो आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स और क्रिएटिविटी होना आवश्यक है। अब आप अपनी इस स्किल को सोशल मीडिया और फ्रीलांसर में प्रमोट कर सकते हैं। टी शर्ट डिज़ाइंस एंड ऑनलाइन स्टोर। क्या आपको टी शर्ट डिज़ाइंस में इंटरेस्ट है? तो आप टी शर्ट का डिज़ाइन ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप टी शर्ट का डिज़ाइन तैयार कर सेल कर सकते हैं, जैसे कि सेल माई टीज, टी स्पायरिंग एंड मैनी मोर। आपको किसी तरह की शिपिंग या प्रिंट होने वाली टी शर्ट लाने की भी ज़रूरत नहीं है, यह सब कंपनीज खुद ही कर लेगी। यदि आपके पास ब्लॉग है तो आप वू कॉमर्स प्लगइन को यूज़ करके ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हो। इस स्टोर में आप अपने टी शर्ट आसानी से बेच सकते हो।
आप अन्य प्रोडक्ट भी ऑनलाइन बेच सकते हो और इनकम प्राप्त कर सकते हो। मान लो जब कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर करता है तो यह कंपनीज ऑर्डर प्लेस कर देगी। जब ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो कुछ हिस्सा अपने पास और कुछ आपको दे देगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी और अगर आप इस प्रकार के विषयों में रुचि रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।